नमस्ते, मैं रूपाली तिवारी आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गीता एजुकेशन में। आज मैं आपको केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट इट मीन्स ठोस अवस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर होते हैं, आंसर ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इसके अवयवीकरण निविड संकुलित होते हैं। इसमें कोई स्थानांतरी गति नहीं होती है तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि जो इसके अवयवी कण होते हैं वो निविड संकुलित होते हैं, मतलब जो इसके कण होते हैं वो घने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें कोई स्थानांतरी गति नहीं होती है, इसके जो कण हैं वो गति नहीं करते तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही कंपन करते हैं, और ये अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही कंपन करते हैं, इसलिए ठोस कठोर हैं। नेक्स्ट, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? आंसर, ठोस की अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है, इसके जो अवयवी कण हैं उसकी स्थिति नियत होती है तथा ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अब नियत है तो ये गति कर ही नहीं सकते, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं, द्रवों के समान इसमें भी प्रवाहित होने का गुण होता है, या अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित होते हैं। ये ठोस होते हुए भी, कांच ठोस होते हुए भी द्रव के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कांच में भी द्रवों के समान बहने का गुण होता है। जब इसे मेल्ट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, तो इसमें भी बहने का गुण होता है, और ये एकदम मंद गति से द्रवों के समान गति करते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्ध और तन्य होते हैं? तो आंसर है इसका धात्विक ठोस। नेक्स्ट, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, समझाइए। जो आयनिक ठोस हैं वो गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, जब उसे गर्म किया जाता है या उसे मेल्ट किया जाता है तो भी ठोस, तभी विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन वो ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, इसी को समझाना है। तो आंसर है, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं, ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। हमें जो आयनिक यौगिक है वो वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं, मतलब जो आयनिक यौगिक है वो वियोजित मतलब टूट कर फ्री आयन देते हैं, ठीक, और फ्री आयन के चलते ही क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में जो आयन है वो गति नहीं कर सकते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। जो जालक बिंदु है वो ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन भी हो सकते हैं। किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होता है। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु महत्वपूर्ण होता है। यही जालक बिंदु उस ठोस में उपस्थित अणु, आयन या परमाणु की स्थिति को शो करता है। नेक्स्ट, समझाइए कि एक उच्च संयोजी धन आयन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तियां किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं? आंसर, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उच्च संयोजकता वाले धन आयन द्वारा निम्न संयोजकता वाले दो या दो से अधिक धन आयन प्रतिस्थापित होते हैं। देखो, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उच्च संयोजकता वाले धन आयन द्वारा निम्न संयोजकता वाले दो या दो से, अतः कुछ धन आयन रिक्तियां जनित होती है। जैसे यदि आयनिक ठोस Na प्लस Cl माइनस में Si2 प्लस की अशुद्धि मिला दी जाए तब दो Na प्लस जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं तथा इसमें से एक Si2 प्लस आयन द्वारा एक Sr तथा इसमें एक Sr2 प्लस आयन द्वारा घिर जाती है तथा अन्य रिक्त रहती है।
सपोज एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि यदि हम एक NaCl का एक आयनिक ठोस लें और उसमें हम Si2+ की अशुद्धि मिला दी जाए करती है। नॉर्मली विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो उच्च संयोजकता वाले धनायन हैं और जो निम्न संयोजकता वाले धनायन हैं, उच्च संयोजकता वाले धनायन निम्न संयोजकता वाले धनायन का स्थान हटा के अपने को उसमें प्रतिस्थापित कर लेती हैं और इसमें कुछ धनायन रिक्तियां जनित होती हैं। जैसे यहाँ पे NaCl का एक आयनिक ठोस है, इसमें हम Si2+ की अशुद्धि अगर हम मिला दिए जाए तो ये Si2+ इस 2Na को रिप्लेस करेगा, मतलब 2Na+ जालक रिक्त हो जाएंगे जिसमें से एक का स्थान ये Si2+ ले लेगा और एक अन्य रिक्त रह जाती है। यही एक उच्च संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिका किस प्रकार प्रविष्ट होती है उसको समझाया गया है। नेक्स्ट, जिस आयनिक ठोस में धातु आधिक्य के दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं। उदाहरण की सहायता से समझाइए। आयनिक ठोस में धातु आधिक्य के दोष के कारण ऋण आयन रिक्तिका होती है इसे समझाना और वे रंगीन होती है। आंसर, इसको सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के थ्रू समझा जा सकता है। जब इसी क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब कुछ क्लोरीन आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर सोडियम से संयुक्त होकर NaCl बना लेते हैं। इस अभिक्रिया के होने के कारण सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ आयन बना लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से विसरित होकर क्लोरीन आयनों द्वारा जनित ऋण आयन रिक्तियों को घेर लेते हैं। क्रिस्टल में अब सोडियम का आधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए स्थल F केंद्र कहलाते हैं। ये क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करते हैं क्योंकि ये दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं। क्रिस्टल को जब सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्लोरीन आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर सोडियम से मिलकर NaCl बना लेता है। ठीक, इस अभिक्रिया के होने के लिए जो सोडियम परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Na+ आयन बनाता है और ये Na+ आयन इस क्लोरीन आयन के सभी ऋण आयन रिक्तिकाओं को घेर लेती है। इसमें Na+ मतलब धन आयन की संख्या ज्यादा होती है, सोडियम का आधिक्य होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, F केंद्र कहलाते हैं। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन्हें घेरे रहते हैं वो F केंद्र कहलाते हैं। ये क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है क्योंकि ये दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अक्रिस्टलीय पद को प्रभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस जनरली ठोस के दो टाइप होते हैं। ठोस का प्रकार होता है, ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताना है। ऐसे ठोस जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार ना हो और उसके जो अवयवी कण हो वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित ना हो, इधर उधर हो, क्रम में व्यवस्थित नहीं होने चाहिए, इसे ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता और ये समदैशिक होते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। और जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और उसके जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब इसका कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता। इसमें अवयवी कण SiO4 सिलिकॉन ऑक्साइड चतुष्क की केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो छोटी होती है। दूसरी ओर क्वार्ट्ज में अवयवी कण SiO4 चतुष्क की लघु और दीर्घ परासी दोनों व्यवस्थाएं होती है। कांच में सिर्फ लघु परासी व्यवस्था होती है और क्वार्ट्ज में लघु और दीर्घ दोनों टाइप की परासी व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है। क्वार्ट्ज को ही पिघला कर ठंडा करने पर कांच हमें मिलता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।